आप देख रहे हैं वेद संसार। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह को आनंद का प्रतीक माना गया है, जिसके शुभ प्रभाव से जीवन में सारे भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यही कारण है शुक्र और महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए बताते हैं कि शुक्रवार को घर में क्या चीजें लेके आने से आपके घर पैसा आने लगेगा। दोस्तों इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए बात करते हैं उन चीजों के बारे में। जो लोग व्यापारी हैं, अगर वह पश्चिम दिशा में बही खाता खरीद कर रखें और साथ ही बही खाते का पूजन भी करें, वहीं चांदी व पीतल के बर्तन खरीद कर आप ईशान यानी कि उत्तर पूर्व में रख सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, जैसे कि फ्रिज, ओवन इत्यादि सामान को खरीद कर पश्चिम उत्तर में ही रखें। बता दें कि घर के मुख्य द्वार पर अष्ट धातु के स्वास्तिक लगाएं और उनका पूजन भी करें। याद से घर में गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और फिर श्री सूक्त का पाठ भी जरूर करें। यूं तो शुक्रवार का दिन माँ संतोषी का दिन भी होता है। इस दिन खास करके देवी संतोषी को गुड़ और चना भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। शुक्रवार को सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर माँ संतोषी की सच्चे मन से पूजा अर्चना जरूर करें और फिर देखे कमाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप भी इन तरीकों को अपनाएंगे और इससे आपके घरों में भी पैसा आने लगेगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, पर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आया तो कृपया आप हमारी गलतियां हमें जरूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।